हेलो बच्चों, हम लोग फिर आ गए और आज हम पुली में आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है बट होता बहुत इजी है। जैसे यहाँ हमारे पास ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। तो ब्लॉक क्या होता है और टैकल क्या होता है? कई बुक्स बताती हैं कि ये जो दो ऊपर वाली पुली है ये ब्लॉक है, ये फिक्स्ड पुली है, रोकी हुई है तो ब्लॉक है, और ये पुली देखिए मूवेबल पुली है तो हम बोलते हैं ये टैकल है, है ना? इसको हमें टैकल करना है, इसको हमें रोकना है। सो दीज आर द ब्लॉक्स एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू टैकल। और कई किताब ऐसे भी बताती हैं कि ये तीनों ही पुली और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लगा है पुली को, ये जो हुक लगा है, ये पुली, ये लोड, ये सब ब्लॉक, ये सारी चीजें ब्लॉक, और ये जो रोप पड़ा है वो टैकल है। तो इतना इस डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ा है, हमने सीखना अंदर के कॉन्सेप्ट्स। तो हमने देखा जैसे तीन पुली का सिस्टम है हमारे पास, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में दो तीन चार पांच पुलीज हो सकती हैं, तीन पुली का सिस्टम है। तो तीन पुली को अरेंज कैसे करना है? तो ध्यान रखिएगा हमेशा ऊपर वाली पुलीज ज्यादा होंगी, यहाँ पे ऊपर वाली पुलीज हमने दो ले ली, और नीचे वाली पुली हमेशा कम होगी तो यहाँ पे एक ले ली। या तो ये हो सकता है कि ऊपर वाली पुली और नीचे वाली पुली बराबर, पर कभी भी नीचे वाली पुलीज ऊपर वाली से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो दोनों बराबर या तो ऊपर वाली ज्यादा। तो यहाँ पे हमने दो पुली ऊपर रखी और एक पुली नीचे। अच्छा, यहाँ से देखिए इसको सपोर्ट से लगा दिया और यहाँ पे भी सपोर्ट से लगा दिया। अब ये रोप मत देखिए, अब रोप हम लोग देखेंगे। हमने रोप ली और रोप को डाला ऊपर वाली पुली से, फिर ले गए नीचे वाली पुली में, फिर अंदर डाला, और यहां से जब रोप निकला तो उसको हमने सामने वाली पुली में बांध लिया। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ से रोप लिया, इसको इसमें ले गए, फिर इसमें घुमाया, फिर इसमें घुमाया, और यहाँ से देखिए सामने वाली पुली में बांध दिया। ठीक है, अब हम इसमें टेंशन एफर्ट लोड मार्क करेंगे। तो लोड सबसे नीचे मूवेबल पुली में लगा है, लोड नीचे गिर रहा है, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, और यहां में भी टेंशन इस तरफ ऊपर की तरफ, यहां से हम एफर्ट लगा रहे हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं और टेंशन ऐसे लगा। तो अगर आप देखो लोड को कौन ऊपर उठा रहा है, तो लोड को टेंशन टेंशन टेंशन, तीन टेंशन मिलकर ऊपर उठा रहे हैं, तो लोड इज इक्वल टू 3t। और एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है? टेंशन को। तो एफर्ट इज इक्वल टू टी। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा कितना है? 3 टाइम्स ऑफ टेंशन। एफर्ट कितना है? सिर्फ टेंशन। एफर्ट सिर्फ टेंशन, लोड 3t, कैंसिल। 3 का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई। कैसे कैसे? यहां पे देखिए जो लोड है वो 3 टेंशन है और जो एफर्ट है सिर्फ टेंशन है। मतलब लोड बहुत बड़ा है 3 टेंशन के बराबर, और एफर्ट छोटा सा टेंशन के बराबर। बड़ा सा लोड छोटे से एफर्ट से उठा लिया, बड़ा सा लोड छोटे से एफर्ट से उठा लिया, क्या है ये? फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा? एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। याद आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैकेनिकल एडवांटेज 3 है तो पर कब? तब जब इसकी एफिशिएंसी 100% है, तब जब ये आइडियल सिस्टम है। देखिए जो मैकेनिकल एडवांटेज हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये हम लोग आइडियल सिस्टम मानते हैं कि लोड 3t तो एफर्ट 50। मतलब हम सिर्फ लोड उठा रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पुली को भी संभाल रहे हैं। ये नीचे वाली पुली का वेट भी तो हमको उठाना है, ये जो रस्सियां हैं इनका वेट भी तो हमें झेलना है, इन रस्सियों पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको भी तो ओवरकम करना है। पर ये सब हमने कंसिडर नहीं किया। मतलब ये मैकेनिकल एडवांटेज जो हमने निकाला वो किसका निकाला? आइडियल सिस्टम। जब एफिशिएंसी कितनी है 100%, मस्त मशीन है, कोई दिक्कत नहीं, ये मासलेस पुली, ये स्ट्रिंग्स मासलेस और कोई फ्रिक्शन भी नहीं, ये मान। तो सर क्या चीज फिक्स होती है बच्चों? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन का बनाते ही फिक्स हो जाता है। मशीन के पार्ट्स पे डिपेंड करता है, कंपोनेंट्स पे, कॉन्फिगरेशन पे, कैसे बना है वो बन रहा। अगर चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो मशीन के बनते ही क्या फिक्स होता है? वेलोसिटी रेशियो। क्या चीज वेरिएबल है? मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। और कितना रहा है? 3। कितना रहा? 3। इस सिस्टम का 3 आ रहा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपके काम करने की स्पीड कम हो रही है। ये मशीन फोर्स तो मल्टीप्लाई कर रही है पर स्पीड को डिक्रीज कर रही है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी एफर्ट की वेलोसिटी लोड से 3 गुना ज्यादा। एफर्ट की वेलोसिटी लोड से 3 गुना ज्यादा। हम काम बहुत तेजी तेज कर रहे हैं और वहां काम बहुत धीमे धीमे हो रहा है। तो एक बार में एक ही चीज हो सकती है, इधर फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर। यहां पर हमने फोर्स मल्टीप्लाई की तो वेलोसिटी और एफर्ट ज्यादा हो गया, एफर्ट बहुत तेज चल रहा है, काम बहुत तेज कर रहे हैं,
वो बहुत धीमे रहा है, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हो रही। सो वेलोसिटी रेशियो इसका 3 कब? ऑलवेज ऑलवेज। वेलोसिटी रेशियो में हमें कुछ नहीं देखना है कि आइडियल है कि नहीं, वेलोसिटी रेशियो मशीन का फिक्स कितना हुआ 3। तो आप बोलोगे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाए? देखिए आइडियल है एफिशिएंसी 100% तो 3 बना, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस होल चैप्टर। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी कितना है 90%, मान लिया एग्जांपल। तो मैकेनिकल एडवांटेज 90/100 × 3, 90/100 × 3 इट गिव्स 2.7, यानी कम है, 3 से कम है। क्यों? क्योंकि अभी आइडियल नहीं है। मान लीजिए हम एफिशिएंसी 60% ले रहे, कितना 60% 60/100 × velocity ratio तो फिक्स है 3 प्रति 1.8, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 3 से ज्यादा नहीं आ सकता, और 3 के बराबर भी सिर्फ एक बार जब आएंगे, वरना उससे कम। सो ये है एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का काम। क्या काम है? फोर्स मल्टीप्लाई करना। वहां यूज करेंगे जहां फोर्स को मल्टीप्लाई, जहां स्पीड कम हो रही हो, स्पीड से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। और कितने गुना मैक्सिमम ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है? 3 गुना। बढ़िया। अब इसका दूसरा एग्जांपल जिसमें हमारे पास 4 पुली है। बच्चों सारे एग्जाम्पल पढ़ना है ना, सारे टॉपिक पढ़ना है, तो 4 पुली। तो मैंने कहा या तो ऊपर वाली पुली नीचे आ बराबर, या तो ऊपर वाली ज्यादा, तो 4 है तो सिस्टमैटिकली 2 2। अब बोलोगे सर 4 को 3 1 कर सकते हैं? नहीं, जहां बराबर हो सकती है पहले बराबर करो। अगर बराबर नहीं हो पा रही है तो ऊपर वाली पुली ज्यादा और नीचे वाली कम। हाँ, स्पेशल केसेस भी हैं जब नीचे वाली पुली ज्यादा होती है, पर अभी उसकी बात नहीं। तो दो पुली लगा दिया। अब यहां से हमने इसको ऐसे बांधा, यहां से ऐसे बांधा, ये दोनों मूवेबल, ये दोनों फिक्स्ड। अब हमको इस पर रोप डालना है, तो रोप यहां से डाला ऊपर से सबसे नीचे वाले में, फिर बीच वाले में, फिर इससे निकाला और इसके सामने वाले में बांधा, यहां से निकाल के इसके सामने वाले में बांधा। लोड नीचे, टेंशन यहां से ऊपर, टेंशन यहां से ऊपर, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहां से टेंशन ऐसे, यहां से टेंशन ऐसे। तो लोड को कितने टेंशन ऊपर खींच रहे हैं? 4, 1 2 3 4, 4 टेंशन। और एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है? टेंशन, टेंशन। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट, कट गया 4। 4 कब होगा? जब आइडियल, वरना मैकेनिकल एडवांटेज ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। क्या फिक्स है इस पुली का? क्या फिक्स है? वेलोसिटी रेशियो 4 ऑलवेज। वरना मैकेनिकल एडवांटेज कितना? 4 जब आइडियल, वरना ऐसे निकालेंगे। रस्सी किस डालनी है? सामने, ये सामने बांध दी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जाम्पल जहां पे हमारे पास 5 पुली है, तो 5 इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती, तो 3 ऊपर 2 नीचे, और नीचे वाली से लोड लगा दिया। नीचे वाली पुली मूवेबल है, अच्छा होगा कि ये मासलेस हो, अच्छा होगा ये मासलेस हो, आइडियल मशीन है। अच्छा, यहां से डाला रोप नीचे, फिर बीच वाले में, फिर अंदर वाले में, और फिर खत्म हो गया तो सामने वाले में बांध दिया। मतलब यहां से डाला नीचे, फिर इसमें, इसमें, और यहां से निकला तो इसमें बांधे कि इसमें बांधे, इसमें बांधे कि इसमें, तो सामने वाले। अब इस पुली में देखिए लोड को ऊपर कौन खींच रहा है? टी 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 5 टी, और एफर्ट किसको खींच रहा है? टी। मैकेनिकल एडवांटेज 5 जब आइडियल होगी, और वेलोसिटी रेशियो हमेशा 5। मतलब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर एन पुलीज हैं, कितनी पुलीज हैं? एन। जैसे यहां पे 3 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 3, यहां पे 4 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 4, और यहां पे 5 पुली तो वेलोसिटी रेशियो 5। मतलब n पुली तो वेलोसिटी रेशियो n के बराबर, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। 100% होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 100% होगा, तो 100 रखेंगे, 100 बाय 100 कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर। जैसे यहां पे, जैसे यहां पे, और जैसे कि यहां पे, पर ये हमेशा नहीं होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। रियली हम लोग इसके आगे इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे, जिसमें कुछ चीजें उल्टी होंगी, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा 4 पुली से मैकेनिकल एडवांटेज 5। पर इसके लिए आपको वेट करना होगा, पहले इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने फिक्स पुली निकाली, मैंने मूवेबल पुली निकाली, और मैंने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम निकाला। तो बच्चों खूब पढ़ाई करें, मस्ती करें, और पढ़े पढ़े करें, टेंशन नहीं लें, और सीरियस होकर पढ़ाई करें, टेंशन नहीं, सीरियस होकर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट वाज दैट? वाज दैट गुड?